राउंड करने के लिए हम करेंगे इस पेपर टेप का यूज़, जिससे लाइन की जो फिनिशिंग है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आए। तो गाइस, पहले मैंने सोचा था कि नॉर्मल चारकोल पेंसिल से बैकग्राउंड कर दूं, बट मेरे दिमाग में आया कि चलिए आज एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि कैसा होता है। तो मैं वाटर कलर से इसका बैकग्राउंड करने वाला हूँ। देखते हैं कि कैसा होता है, कि अपनी ये इतनी जो मेहनत है वो सफल होती है कि वेस्ट जाती है। तो आइए गाइस, देखते हैं और शुरू करते हैं। और कैसे करता हूँ मैं बैकग्राउंड, वो भी आप देखना। तो सबसे पहले तो ये वाटर लेना है, बिल्कुल नॉर्मल वाटर, कोई कलर मिक्स नहीं करना। और शीट को अच्छे से गीला कर देना जहाँ जहाँ आपको कलर करना है। एक चीज़ नोटिस कीजिए कि पानी डालते से शीट कितनी ज़ोर से पानी सोख रही है, जैसे आपने पानी डाल दिया। और ये देखिए, ऐसे जैसे शीट पानी पी रही हो बिल्कुल तरीके से। तो गाइस, फाइनली वाटर कलर से पहली बार आउटलाइन करने के बाद रिजल्ट ये है। मैं तो सेटिस्फाई हूँ अच्छी तरीके से। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वर्क और टेक्निक वाटर कलर से बैकग्राउंड करने की, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहें मेरे साथ।